एक बार की बात है, एक शहर में घर घर टिफिन नाम की एक गुमनाम टिफिन सर्विस बहुत मशहूर हो रही थी। इस टिफिन सर्विस को कौन चला रहा था ये कोई भी नहीं जानता था, पर इस टिफिन सर्विस के बहुत कस्टमर्स थे और सब जानना चाहते थे कि इतना अच्छा खाना भला कौन बना रहा है। जब भी कोई टिफिन ऑर्डर करता, टिफिन उसके घर के बाहर पहुँच जाता था और ऑर्डर करने वाले डिलीवरी मैन को भी कोई नहीं देख पाता था। एक बार सिया नाम की एक लड़की थी जिसका हाल ही में इसी शहर के एक मशहूर कॉलेज में एडमिशन हुआ था। सिया का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता था। सिया एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिस पर वो हमेशा अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजों और भूतिया जगहों के बारे में डाला करती थी। सिया को व्यूज भी बहुत मिलते थे। सिया इस शहर में नई थी इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रह रही थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार पिंकी, मैं तो ये रोज रोज बाहर कैंटीन का खाना खाकर ना थक गई हूँ। देखो मुझे, मैं कितनी पतली होती जा रही हूँ और इस तरह चला तो मैं जल्दी ही हॉस्पिटल में मिलूंगी तुम्हें। अरे तो तुम वो टिफिन सर्विस लेना क्यों नहीं शुरू कर देती, घर घर टिफिन? तुम्हें पता है आधा शहर उसी टिफिन सर्विस से टिफिन मंगाता है। अच्छा तो इस टिफिन सर्विस का मालिक कौन है पिंकी? वो तो कोई भी नहीं जानता। क्या? हाँ अरे सिया, लोग इस टिफिन सर्विस को गुमनाम टिफिन सर्विस भी कहते हैं। इसका खाना तो लाजवाब होता है और स्टूडेंट्स के लिए सस्ता भी, पर इसे चलाता कौन है वो नहीं पता। तो मैं कॉल किसे करूँ? अरे वो तो इस टिफिन सर्विस की वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम वहाँ जाकर अपना नाम और एड्रेस डाल दो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो और तुम्हारा टिफिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुँच जाएगा। वाह ये तो सही है, फिर मैं भी इसे ट्राई करूंगी। ओके सिया चलो मैं चलती हूँ। पिंकी के जाने के बाद सिया भी घर निकल जाती है। सिया घर पहुँचते ही उस टिफिन सर्विस की वेबसाइट को खोलती है और अपना नाम और एड्रेस डाल देती है। कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है। सिया दौड़कर डोर खोलती है पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। दिखता है तो बस एक टिफिन बॉक्स जो कि जमीन पर रखा था। उसे वहाँ रखकर कौन गया ये सिया नहीं देख पाती। अरे आखिर इतनी स्पीड में टिफिन को यहाँ रखकर गया कौन? छोड़ो मुझे क्या, पहले टिफिन खाकर देखते हैं आखिर ये है कैसा। सिया टिफिन को उठाती है और अंदर रूम में चली जाती है। वो अपना टिफिन खोलती है और देखती है कि उसके अंदर जो खाना रखा था उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खाती है और सिया को खाना बहुत पसंद आता है, पर टिफिन खाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका ये जानने का मन करने लगता है कि आखिर ये खाना बनाया किसने और इस टिफिन को देने कौन आया था। फिर सिया सोचती है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है और इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करूं, तब तो मैं मशहूर हो जाऊंगी और मेरी वीडियो को बहुत व्यूज भी मिलेंगे। यस, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इस गुमनाम टिफिन सर्विस के पीछे आखिर है कौन। अगले दिन सिया का टिफिन फिर से उसी समय उसके डोर पर पहुंचाता है, पर इस बार भी सिया ये नहीं देख पाती कि टिफिन देने आया कौन। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन सिया फैसला करती है, अब तो चाहे कुछ भी हो मैं जानकर ही रहूंगी कि ये है कौन जो मुझे टिफिन देने आता तो है पर दिखता नहीं और कौन है इस टिफिन सर्विस के पीछे। अगले दिन जब टिफिन आने का समय होता है, सिया घर के बाहर ही छुप जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़की सिया के दरवाजे तक आती है और चुपचाप टिफिन रख कर तुरंत सड़क की तरफ चली जाती है। सिया उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की एक एक्टिवा पर बैठकर कहीं जाने लगती है। सिया भी अपनी स्कूटी उठाती है और जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। आज तो मैं इस टिफिन वाली का पर्दाफाश करके ही रहूंगी, पर ये जा कहाँ रही है, ये तो एकदम शहर के बाहर की तरफ कहीं जा रही है। वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही देर में शहर के बाहर बने एक खंडहर के पास जाकर रुक जाती है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो बिल्कुल सुनसान थी। देखकर ये कहना भी मुश्किल था कि यहाँ पानी और बिजली आता होगा। सिया अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे खड़ा कर देती है और छुपकर उस लड़की को देखने लगती है। लड़की बिल्डिंग के अंदर जाती है। अरे ये इस खंडहर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर क्यों जा रही है, यहाँ पर भला कोई टिफिन सर्विस कैसे चला सकता है। सिया बिल्डिंग की एक खिड़की से अंदर झांकने लगती है और इतना ही नहीं वो अपना कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड करने लगती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुंदर लड़की बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस जगह पर बहुत सारे टिफिन और खाना बनाने का सामान रखा था। ये सब देखकर सिया को कुछ समझ नहीं आता और तभी चुड़ैल की नजर खिड़की के पीछे खड़ी सिया और उसके कैमरे पर पड़ती है। ए, कौन है वहाँ, जल्दी अंदर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। सिया चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कौन हो तुम और ये कैमरा, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तुमने मेरा पीछा किया और अपने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया ना, सब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अरे नहीं, वो मैं क्या,
वो दरअसल मैंने तुम्हारी टिफिन सर्विस मंगाई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा टिफिन ले रही हूँ, पर मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये टिफिन इतना अच्छा बनाता कौन है, इसलिए आज मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा अगर मैं ये जान जाऊंगी कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है तो मेरे चैनल पर मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इतना कहकर चुड़ैल सब्जियों के पास रखा एक बड़ा सा चाकू उठाती है। सिया चाकू देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे अरे रुक जाओ, भला तुम मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज मुझे जाने दो, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा चैनल कौन चलाएगा? वाह, या तुम मरने वाली और तुझे अपने YouTube चैनल की पड़ी है? नहीं, अगर तू यहाँ से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये टिफिन सर्विस एक चुड़ैल चला रही है और फिर कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा। तभी उस बिल्डिंग में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। वो देखता है कि चुड़ैल के हाथ में चाकू था और सिया डरी हुई कोने में खड़ी थी। सिया बच्चे को अंदर आता देखकर उससे कहती है, अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। बच्चा सिया की बात अनसुना कर देता है और दौड़कर चुड़ैल के गले लग जाता है। सिया ये सब देखकर दंग थी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी और ये किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी, चिंता मत करो। क्या, ये चुड़ैल तुम्हारी माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये मेरा बेटा है, कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझे बहुत मारता था। पहले मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद वो मुझे मारना बंद कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरे बच्चे को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। वो खुद तो काम करता नहीं था और जब मैं काम करने की बात करती तो वो मुझे भी पीट देता, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। किसी तरह परिवार वालों की मदद से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और अपनी एक टिफिन सर्विस शुरू की, पर मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ ये जानकर जैसे उसका सुख चैन चला गया। उसने गुस्से में आकर मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरा बेटा उस वक्त स्कूल में था इसलिए बच गया और मैं चुड़ैल बन गई। अपने बेटे की चिंता की वजह से मैं इसे अपने साथ इस खंडहर में ले आई। यहाँ मेरा पति मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ सकता था और मैं इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने ये टिफिन फिर से शुरू किया। अगर सबको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ तो कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा और फिर मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा और भूख से मर जाएगा। मैं सब समझ गई, तुम चिंता मत करो चुड़ैल, मैं इस सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम अपनी टिफिन सर्विस ऐसे ही चला सकती हो जैसे तुम अब तक चला रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है तुम जा सकती हो, पर अगर तुमने वो वीडियो कहीं डाली या किसी को इस बारे में बताया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और उम्मीद है कि मेरा टिफिन मुझे टाइम से मिल जाएगा। दोनों हंसते हैं और सब ठीक हो जाता है। इसी तरह गुमनाम टिफिन सर्विस हमेशा के लिए गुमनाम ही रहती है।